सो हे गाइस, आज हम एक और नई सर्वाइवल गेम खेलने वाले हैं। इस गेम का नाम है फॉरेस्ट सर्वाइवल। तो प्ले करते हैं इस गेम को और स्टार्ट करते हैं एक और नई सीरीज। सो यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए हमें घर वगैरह बनाने होंगे और यहाँ पर क्राफ्ट करने के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी वर्क बेंच दी गई है। सो यहाँ पर देखो, हम इतना सारा सामान क्राफ्ट कर सकते हैं। और घर बनाने के लिए ना, सबसे पहले हमें एक मैप क्राफ्ट करना पड़ेगा जिससे हम अपना घर बना सकते हैं। तो यहाँ पर वो मैप बनाने के लिए ना मुझे क्या चाहिए, मैं अभी देखता हूँ। ये बिल्डिंग प्लान, इसके लिए मुझे 6 लेदर चाहिए और 6 लेदर हमें मिलेगी जानवर को मारकर। बट जानवर को मारने से पहले हमें अपने वेपन्स क्राफ्ट करने पड़ेंगे और वेपन्स के लिए देखते हैं क्या चाहिए। तो ये स्टोन वगैरह की पिकएक्स है, ये सारी चीजें हमें बनानी पड़ेंगी। और जानवर मारने के लिए हमें आयरन स्पीयर नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारे पास आयरन नहीं है। सो वुडन स्पीयर हम बनाएंगे। जानवर को मारने के लिए 12 स्टिक बना लेते हैं। मैंने लकड़ी पहले ही काट ली थी, यहाँ से 12 स्टिक बना लेते हैं। सो जितनी होती है उतनी बना लेते हैं। वैसे भी हमें बहुत सारी स्टिक चाहिए होंगी इस गेम के लिए। सो 50 में बना लेता हूँ, शायद मैं 50 बना सकता हूँ बड़ी आसानी से। ठीक है, शार्ट क्राफ्ट कर लेते हैं स्टिक और ये बनकर रेडी हो जाएंगे। तब तक अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखते हैं। और देखो वहां पर एक ह्यूमन है, वहां पर एक इंसान है, इस इंसान को मार कर देखते हैं। शायद ये आदमवासी है, इस आदमवासी की भैंस की मारो। आ जा आदमवासी, और तेरी ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। अबे भाई ये कहाँ से आ गया तेरी भैंस की, पिछली वीडियो में बहुत ज्यादा मुझे परेशान किया था। आज ये ले, और तेरी, ओ भाई कैसा हिट दे रहा है ये तो। एक तो यार इतना स्लो है तेरी भैंस की। रुक रुक रुक, ओ तेरी मार देगा यार। रुक जा, मुझे रुक कर मारना पड़ेगा। ये ले, ओ मेरी हेल्थ कहाँ पर है, मेरी हेल्थ कहाँ पर है। अरे ये क्या साहब ने हेल्थ, मुझे हेल्थ नहीं दिख रही, बता है यार। ओके, तो हम दोबारा से जिंदा हो चुके हैं और हम वहीं पर हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पास सामान है क्या? ठीक है, हमारी स्टिक तो क्राफ्ट हो रही है और हमारी इन्वेंटरी में भी सारी लकड़ी नहीं है। ठीक है, लकड़ी मेरी थोड़ी सी गिर गई शायद। तो भागकर वहां पर फटाफट से चलते हैं उस ह्यूमन को मारने के लिए। वो पता नहीं कहां से जानवर आ गया, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं वो जानवर कहां से आ गया यार। वहां पर था नहीं, वो अचानक से स्पॉन हो गया वहां पर और उसने मुझे बहुत गंदी तरह से मार दिया, पता नहीं क्यों। तो बता यार, वो जानवर भी गायब हो गया और वो जो इंसान था आदमवासी वो भी गायब हो गया है। सारे लोग गायब हो चुके हैं और अब मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। मैं यहीं पर तो था बट पता नहीं यार वो ह्यूमन कहाँ चला गया, वो तो गायब ही हो गया आदमवासी बिल्कुल। तो पत्थर तोड़कर मैं देख लेता हूँ यार, क्योंकि पत्थर मुझे जरूरत पड़ेंगे यार स्पीयर वगैरह बनाने के लिए। सो पत्थर मुझे चाहिए होंगे ना, और देखते हैं पत्थर तोड़ के क्या होता है अभी। बट्टू क्या होता है ये। सो फटाफट से पत्थर तोड़ते हैं। ओके, स्टोन मुझे काफी सारा स्टोन मिल रहा है और यहाँ से मुझे मेटल भी मिल रहा है, यानी हम मेटल की चीजें बना सकते हैं इसी एपिसोड में। बट उसके लिए मुझे सबसे पहले एक फर्नेस बनाना पड़ेगा और फर्नेस के लिए मुझे शायद कोल की भी जरूरत पड़ेगी। ऑयल, क्या बोल कह रहा हूँ, ऑयल। हाँ तो मैं ये कह रहा था कोल बनाने के लिए शायद मुझे लकड़ी की भी जरूरत पड़े, लकड़ी के से शायद कोल बनेगा। पहले मैं देखता हूँ कि फर्नेस कैसे बनेगा, क्योंकि फर्नेस में ही हम अपने मेटल को पिलगाएंगे ना। तो यहाँ पर 64 स्टोन चाहिए मुझे एक फर्नेस के लिए और अभी हमारे पास केवल 48 फर्नेस है। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, हम जमा कर लेंगे सारा सामान। बट मुझे वो एक बार ह्यूमन दिख जाए यार, और मेरा वो सामान भी पता नहीं कहाँ चला गया जो मैंने जमा किया था सामान, वो पता नहीं कहाँ चला गया। अब मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है। सो वहाँ पर एक पत्थर है, ओके वो ह्यूमन है, वो रहा ह्यूमन और वहीं पर मैं मरा था। शायद मुझे वहाँ पर मेरा सामान मिल जाए यार, एक बार मैं कोशिश करके देख लेता हूँ कि हमें सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं यहीं पर था और वो सामान भी यहीं कहीं पर होना चाहिए, पता नहीं वो सामान दोबारा से मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, इसे मैं सामने से मार कर देखूँ क्या, पीछे से मारेंगे यार, खामखा ये मुझे मार दे, इसीलिए हम पीछे पहले जाएंगे और फिर इसे मार देंगे। शायद ये मुझे लेदर दे दे क्योंकि इसके पास स्किन है ना, और स्किन से ही लेदर मिलेगा, या फिर इसकी चड्डी फाड़ देंगे, साले को लेदर बना लेंगे चड्डी फाड़ के। ओके ये ले, ओ तेरी, ओ तेरी, अरे भाग गया यार। उसका कोई असर में ही नहीं हुआ भाई, इससे लगता है कि इससे मसाज हो रही होगी। यो यो यो, मर मेरी भैंस की, निकल यहाँ से, बहुत बढ़िया। इसकी चड्डी फाड़ दूँ क्या मैं, चड्डी खोल कर देखो क्या है इसके अंदर। चड्डी के अंदर वैसे एक ही चीज मिलेगी हमें। चलो यहाँ से हमें मिल चुका है कोल वगैरह शायद है ये, और 7 मीट मिल गया हमें। सो इसके अंदर ये क्या चीज है, ये है मेटल और इनो, बहुत बढ़िया मेटल मिल गया मुझे। अरे मैंने फेंक दिया, ठीक है यहाँ से हम सारी चीजें टेक कर लेते हैं अभी। अरे वो दालिया क्या कर दिया मैंने, लकड़ी इसके पास कैसे चली गई, कर क्या रहा हूं मैं। सो यहाँ पर जाएंगे एक बार, अच्छा एक बार में ही हम ओपन कर सकते हैं, 1 मिनट। अरे गायब हो गया इंसान यार, मेरा सामान लेकर भाग गया वो, इतना भाई वो है मरते मरते मेरा सामान लेकर चला गया वो, और मीट वगैरह सब कुछ मेरे सामान से गायब हो चुका
चुका है। अब यार शायद हम मेडल का वो सामान जो है वो हम बना सकते हैं। सो यहाँ पर स्टोन हेड चाहे और ये पहले हम वुडन का स्पीयर बना लेंगे, नहीं मेटल का स्पीयर बना लेंगे, बट हमारे पास मेटल है ही नहीं, ठीक है। तो मेटल हमें पिलगाना पड़ेगा और उसके लिए पहले फर्निस चाहिए, और फर्निस के लिए हमें सबसे पहले पत्थर तोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास में ही पत्थर है, यहाँ से हम तोड़ देते हैं फटाफट से पत्थर और फिर फर्निस को हम लगा देंगे यहाँ से, बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा बिल्कुल। सो यहाँ पर तोड़ लेते हैं और शायद यहाँ पर कोई घर वगैरह हो जिसमें हम एक्सप्लोर कर सके। मैं भी यार मैं भी ढूंढने की कोशिश करूंगा। सो हमारे पास हो चुका है पूरा पत्थर वाइस। अरे वो मेरा पत्थर लेकर चला गया, कितना आरामखोर था यार, पत्थर सारा लेकर चला गया वो। तो भाई उसे पता होगा मैं फर्निस बनाने जा रहा हूँ इसलिए वो सारा पत्थर ले गया मेरा। ओके तो हमारे पास हो चुके हैं 62 पत्थर और मैं सोच रहा हूँ एक पत्थर और तोड़ लूं, उसके बाद अपना फर्निस क्राफ्ट कर लेंगे, या फिर एक काम करते हैं फर्निस क्राफ्ट कर लेते हैं और हम पत्थर तोड़ते रहेंगे ना तो हमें फर्निस भी क्राफ्ट हो जाएगा। 64 पत्थर चाहिए मुझे, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से फटाफट से हम तोड़ लेते हैं। ये लो तोड़ो और ये हो गया ना हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास हो चुका है और अब हम क्राफ्ट कर सकते हैं अपना फर्निस। सो एक फर्निस क्राफ्ट कर लेते हैं और ये 120 सेकंड में रेडी हो जाएगा, तब तक हम अपना पत्थर भी तोड़ लेंगे और इस फर्निस को हम लगाएंगे जाकर अपनी नदी के पास, ताकि जहां पर हम मरे ना वहीं पर हमें अपना फर्निस वापस से मिल जाए और फिर हम अपने अच्छे वाले वेपन्स क्राफ्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लकड़ी को तोड़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम जानवर को मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास अच्छा सा वेपन होना चाहिए जानवरों को मारने के लिए, तभी हम जो है अच्छी तरह से जानवर को मार पाएंगे। सो अब हम एक पत्थर वो रहा उसे भी तोड़ देते हैं। वैसे भी हमें ढेर सारा पत्थर चाहिए होगा चेस्ट वगैरह बनाने के लिए, और चेस्ट भी तो बनाना पड़ेगा ना, वरना हमारा सारा सामान जो है वो चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया मेरा सामान। और हाँ मुझे ढेर सारी लेदर भी तो चाहिए भाई, लेदर लेदर का भी तो बहुत ज़्यादा यूज है यार। मेरी पिकैक्स खत्म होने वाली है, सो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम पेड़ तोड़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास लकड़ी बिल्कुल भी नहीं है और मुझे पता है कि वहाँ पर लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, सरासर पड़ेगी। सो यहाँ से हम पेड़ तोड़ लेते हैं यार, देखते हैं कितना वुड हमें मिल जाता है यहाँ से, तब तक मेरा फर्निस बनकर रेडी हो जाएगा इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। टूट जाए यार जल्दी से, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है यार ये टूटने में, क्योंकि ये पेड़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और ये पेड़ मेरी पूरी पिकैक्स को चाट जाएगा, तब जाकर ये पेड़ टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितनी लकड़ी मिल चुकी है हमें, जल्दी से और तेज मेरी जो लकड़ी है वो टूट चुकी है, यानी जो पिकैक्स है वो टूट चुकी है। और देखो वहाँ पर ह्यूमन है, शायद इसी ने मुझे मारा था और यहाँ पर मुझे मेरा सामान मिल सकता है, बट यहाँ पर मैं अभी नहीं जाऊँगा बिकॉज यार ये मुझे मार सकता है और मेरे पास बहुत सारा सामान है और मैं नहीं चाहता कि मेरा सामान चला जाए। सो यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास कितना सारा सामान है और मेरी वो कहाँ गई, बनने वाली है 12 सेकंड में बन जाएगी, तब तक भागते हुए चलते हैं फटाफट से अपने वहाँ पर जहाँ से हम जिंदा होते हैं और वहीं पर लगा देंगे अपना फर्निस, और उसके तुरंत बाद हम बना लेंगे मेटल, और मेटल बनाने के बाद हम बना लेंगे अपने वेपन्स को। यार रात होने वाली है, रात के लिए मुझे कुछ इंतजाम बनाना पड़ेगा, बट उससे पहले मुझे वो 6 लेदर चाहिए होंगी तभी हम वो बना पाएंगे, अदरवाइज बेड बनाना मुश्किल होगा। यहाँ पर मैं ट्राई करके देखता हूँ कि बेड हम बना सकते हैं या नहीं। स्लीपिंग बैग, इसके लिए मुझे 12 क्लॉथ चाहिए और क्लॉथ बनाने के लिए मुझे 1 लेदर चाहिए। चलो भैया नहीं बना सकते हम अभी, क्योंकि लेदर हमारे पास है नहीं, मुझे जानवर मारने पड़ेंगे और जानवरों को मारने के लिए अभी मेरे पास हथियार नहीं है। सो अभी हम यहाँ पर फर्निस लगा देते हैं सबसे पहले, ये फर्निस आ गया, इस फर्निस को हम लगाकर टेस्ट करेंगे यहाँ पर लगा देते हैं, काफी अच्छा रहेगा। सो यहाँ पर इसे पुट कर देते हैं। अरे बैठ क्यों गए तुम, पुट कैसे करेंगे ऐसे, ठीक है ठीक है ठीक है, उल्टा लग गया, व्हाट द हेल यार, ये चीजें उल्टी क्यों लग जाती हैं। सो यहाँ पर हम डाल देते हैं, ये ओपन करो, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या डालना पड़ेगा, इसमें पहले तो मुझे मेटल डालना पड़ेगा ये, और उसके बाद शायद लकड़ी डालनी पड़ेगी। फाइनली यार हमारा जो वो है बनकर रेडी होने वाला है, और तब तक मैं थोड़े से वेपन्स वगैरह बना लूं, क्योंकि जब तक ये बनकर रेडी होगा ना तब तक हम उतनी देर में लकड़ी वगैरह निकाल लेंगे। सो यहाँ पर हम एक एक्स बना लेंगे, केवल एक्स बनानी है मुझे लोहे की, बट उसके लिए मेटल चाहिए, लोहे की कौन बनाएगा यार। अभी हम केवल लकड़ी की बनाएंगे, कर कह रहा हूँ मैं, यहाँ से हम बना सकते हैं, बट ये आ क्यों नहीं रहे हैं, ये है वुडन वाले सारे वेपन्स, तो वुडन वाले वेपन्स ये रहे ना, इसमें यार इन्होंने वुडन का वो दिया ही नहीं है, जो एक्स वगैरह होती है वुडन की दी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं दी है। यहाँ पर एनविल भी हम बना सकते हैं, बट मुझे नहीं पता कैसे बनेगी एनविल। सो यार मुझे मेटल पिघलने का इंतजार करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर नहीं सर्वाइव होगा, क्योंकि इन्होंने लकड़ी के वेपन बनाने का कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ। सो हमारे पास 4 मेटल आ चुका है और मुझे 6 मेटल चाहिए, बहुत बढ़िया यार, बहुत जल्दी ये बन रहा है मेटल। यहाँ पर 5 हो गए, अब हम बना सकते हैं अपनी एक्स बहुत ज्यादा आसानी से, और शायद जो मेरे पास एक्स थी ना वो शायद मेटल की ही थी मेरे ख्याल से। तो हमारे पास आ चुके हैं पूरे 6 मेटल, तो इन सारे मेटल्स को निकाल लेते हैं और अब हम क्राफ्ट कर लेते हैं अपनी एक्स को। एक एक्स क्राफ्ट हो गई है और इसके बाद हम स्टोन पिकैक्स क्राफ्ट कर लेंगे, टॉर्च भी हम क्राफ्ट कर सकते हैं, और इसके लिए मुझे वो चाहिए
कोई नहीं यार, वेपन्स बनाते हैं। वेपन्स यहाँ पर ये रहे, आयरन स्पीयर बनाने के लिए मुझे 2 मेटल चाहिए और 12 स्टिक चाहिए, और स्टिक तो मैंने काफी सारी बनाई थी बट वो स्टिक सारी खत्म हो चुकी हैं। सो यहाँ से छोड़ते हैं और स्टिक को क्राफ्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कितनी स्टिक है? हमारे पास है 8 स्टिक है और हमें 12 स्टिक चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से हम स्टिक को क्राफ्ट कर लेंगे। ठीक है, 8 चाहिए ना, तो मैं 4 और बना लेता हूँ, मतलब 12 चाहिए मुझे। और मेरे पास लकड़ी नहीं है। क्यों यार, मेरे पास लकड़ी क्यों नहीं है? एक मिनट, मैंने लकड़ी तो इतनी सारी इकट्ठा की थी, लकड़ी कहाँ चली गई? अच्छा, मैंने इसमें डाल दी थी ना। मैं समझ गया। यहाँ से लकड़ी निकाल लेते हैं यार, 4 और बनने देते हैं। सो बस करते हैं यार, अब हम यहाँ से मेटल भी निकाल लेते हैं, लकड़ी भी निकाल लेते हैं। और अब हम पहले स्टिक क्राफ्ट कर लेंगे 4, क्योंकि मुझे अभी 4 ही चाहिए। और 5 गम 20 सेकंड में रेडी हो जाएंगे ये बनकर, कोई दिक्कत नहीं है। 20 सेकंड ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। स्टोरेज बॉक्स के लिए मुझे क्या चाहिए? 7 प्लैंक चाहिए और मेटल चाहिए। कोई नहीं यार, बाद में देखेंगे इसे बना के। अब यहाँ पर पिकैक्स तो बनकर रेडी हो चुकी है, अब हम सामान इकट्ठा करने जाएंगे। पहले मैं एक वेपन बना लूँ, उसके बाद सामान इकट्ठा करने जाएंगे। सो यहाँ पर मुझे बनाना था ये स्पीयर भी हमारा हो चुका है क्राफ्ट। अब मुझे क्या करना है सुनो, अब मुझे स्टोरेज बॉक्स बनाना है क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सामान है। तो जब तक स्टोरेज बॉक्स बनेगा तब तक हम यहाँ पर अपना मेटल पे लगा लेंगे, क्योंकि अब वैसे भी उस चीज का कोई काम है नहीं लकड़ी का। सो यहाँ पर लकड़ी डाल देते हैं, उतनी देर में ये बनकर रेडी हो जाएगा। और पिकैक्स को हम अपने हाथ में ले लेते हैं, ये रही पिकैक्स, और स्पीयर को भी अपने हाथ में ले लेंगे। जब तक बनकर रेडी हो रहा है वो, देखते कितना टाइम लेगा। 7 सेकंड में बनकर रेडी हो चुका हो जाएगा। और यहाँ पर अंधेरा भाई, देखो कुछ दिख नहीं रहा, आगे कैसे सर्वाइव करूंगा मैं? कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर तो भाई कुछ दिखिएगा नहीं तो मैं सर्वाइव कैसे करूंगा? लेकिन उसके लिए मुझे ना टॉर्च बनानी पड़ेगी। अब पता नहीं कितनी देर में दिन होगा यहाँ पर। ओके, दिन होने लगा है, वैसे इतना टाइम नहीं लगा मेरे ख्याल से दिन होने में। तब तक ना मेरा चाकू तो बनकर रेडी हो चुका है, यानी स्पीयर। देखते हैं स्पीयर कैसा है। स्पीयर ऐसा है, बहुत बढ़िया, ऐसे हम मार सकते हैं शायद, बट अभी काम नहीं करेगा। मैं सुबह होने का इंतजार करता हूँ यार, बहुत ज्यादा अंधेरा है यहाँ पर, कुछ भी नहीं दिखेगा यार। यहाँ पर कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसे मैं फटाफट से बनाकर क्राफ्ट कर लूँ और सुबह कर लूँ। मुझे 21 क्लॉथ चाहिए, लेकिन जब तक हमारे पास लेदर नहीं होगी तब तक हम कुछ भी क्राफ्ट नहीं कर सकते। ओके गाइस, तो अब मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ा बहुत दिख रहा है मुझे। मैं ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, तब मुझे थोड़ा और साफ दिखेगा, क्योंकि यार बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहा है ये दिन होने में। सो मैं इतनी देर तक रुकने वाला नहीं हूँ। और भाई यहाँ पर मुझे अगर वो मिल गया ना तो मैं उसे मार दूंगा बहुत गंदी तरह से। यहाँ से यार लकड़ी वगैरह मुझे निकालनी है, सो लकड़ी वगैरह हम निकाल लेते हैं। यस, ये वाली जो एग्स है काफ़ी अच्छी काम कर रही है वैसे, और मेरे ख्याल से पहले मुझे यही वाली मिली थी, लेकिन वो एक एक वुड दे रहा था और ये मुझे ज़्यादा वुड दे रही है। सो यहाँ से फटाफट से वुड निकाल लेते हैं हम, देखते हैं कितना वुड मिलेगा मुझे। ओके, फाइनली यार एक पेड़ टूट चुका है, और यहाँ कहीं पर वो ह्यूमन था ना, हम उसे मार कर देखेंगे अभी बिल्कुल जस्ट राइट नाउ। लेकिन पेड़ तोड़ते तोड़ते चलेंगे यार, क्योंकि मुझे ढेर सारी लकड़ी चाहिए होगी उस फर्नेस में डालने के लिए। अभी बहुत कम मेटल पिलगा है वहाँ पर, और मुझे ढेर सारा मेटल पिलगाना है। सो इसीलिए और तोड़ पेड़ भाई जल्दी नहीं गिरता, काफ़ी अच्छी बात है वैसे ये मेरे ख्याल से, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अरे अरे अरे, सटिया क्यों रहा है यार तुम? ओके, तो फटाफट से यहाँ से लकड़ी निकाल लेते हैं, उसके बाद अपने ह्यूमन को मारने चलेंगे, यानी जो आदमवासी है उसे मारने चलेंगे। वो देखो वहाँ पर वो रहा, क्या नाम है इसका, खरगोश शायद नाम है। पहले तो हम इसे मारेंगे। आजा 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 आजा, और तेरी मुड़ गया आ रहा है ये। ओ यार, इतनी हल्के आएगा तू? मार ही नहीं रहा यार, ये पागल आगल है भाई, बिल्कुल पागल है यार, ये मारता ही नहीं है भाई। एक तो उसके पास इतनी स्पीड कम है यार, मैं क्या करूं भाई, बहुत हल्के चल रहा है वो। इन्होंने मारने का कोई ऑप्शन दिया ही नहीं। मैं अगर उससे बचने की कोशिश करता हूं तो वो मार नहीं पाता, और अगर मारने की कोशिश करता हूं तो वो मुझे मार देता है। यार ये चला ही नहीं रहा स्पीयर चला ले भाई मेरे, स्पीयर भाई चला ही नहीं रहा इसकी भैंस की। ये मार रहा, ये मार रहा, ये मार रहा, ये मार रहा स्पीयर, वो मार ही नहीं रहा, पता नहीं कैसे मारेगा स्पीयर। देखते इसके अंदर से क्या मिला हमें। अरे खोल ले भाई। तो इसके अंदर से हमें इतनी सारी चीज़ें मिल गई, 3 लेदर मिल गई है और 4 वो खाना मिल गया है और हड्डी मिल गई है, बहुत सही। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें ये दे रहा है, बट स्पीयर क्यों नहीं चला मेरा यार, मुझे इस बात का जवाब चाहिए, ये स्पीयर क्यों नहीं चला। ह्यूमन भी यहीं कहीं पर होगा, वो आदमवासी भी यहीं कहीं पर होगा, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा यार। मुझे रात में कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, मैं कैसे देखूं यार, इतना अंधेरा इन लोगों को नहीं करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा अंधेरा कर दिया है यहाँ पर। चलो यार अपने फर्नेस के पास चलते हैं और उसमें लकड़ी डाल देते हैं, क्योंकि वहाँ पर लकड़ी ख़त्म हो चुकी होगी और मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर लकड़ी ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें ढेर सारा मेटल चाहिए ना इसीलिए। एक भाई इसके अंदर बिल्कुल भी स्पीड नहीं है, मुझे खाना भी पकाना पड़ेगा, और खाना पकाने के लिए कैंप फायर चाहिए ना, तो कैंप फायर भी एक क्राफ्ट कर लेते हैं फटाफट से।
20 स्टोन लगेगा और तब तक हम पहुंच जब तक हम जहां पर पहुंचेंगे ना वहां पर पहुंचेंगे ना तब तक बनकर रेडी हो जाएगा हमारा कैंप फायर और उसमें हम खाना भी पका लेंगे बढ़िया आसानी से। वो देखो मेरा फर्नेस तो दिखने लगा है, उसमें हम लकड़ी डाल लेते हैं फटाफट से। और ये स्पीयर बेकार है, किसी काम का है नहीं, मैं ये स्पीयर फेंक दूंगा यार। स्पीयर में जो चीजें थी मेरी बर्बाद चली गई। तुम लोग भी स्पीयर को मत क्राफ्ट करना ठीक है, स्पीयर बहुत ही ज्यादा घटिया चीज है इस गेम के अंदर। बाकी सारे गेम्स में स्पीयर काम करता है बट इस गेम में स्पीयर काम ही नहीं करता। चलो भाई हम पहुंच चुके हैं अपने फर्नेस के पास और यहाँ पर फटाफट से इस फर्नेस को ओपन करते हैं। मुझे पता था लकड़ी खत्म हो चुकी होगी सो इसमें लकड़ी डाल देते हैं और अब मुझे लगता है कि इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देना चाहिए। कैंप फायर मेरा क्राफ्ट होने वाला है तो कैंप फायर को क्राफ्ट करके उसमें खाना डाल देते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो का कर देते हैं एंड। वैसे भी 5 सेकंड में हमारा कैंप फायर जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा और हमारा कैंप फायर जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर जाएंगे और इस कैंप फायर को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं अभी के लिए। सो यहाँ पर इसे पुट कर देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं खाना, लेकिन इसके लिए मुझे लकड़ी चाहिए होगी जो कि मैंने डाल दी है फर्नेस में। सभी के लिए खाना ही डाल देते हैं। तो गाइस अब मुझे लगता है इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देना चाहिए। हम इस गेम को कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट गेम प्ले में, तब तक के लिए गुड बाय।